प्राण प्रतिष्ठा सनातन धर्म की प्रक्रिया के खिलाफ कोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति संध्या और आप देख रहे हैं न्यूज़ी वर्ल्ड स्पॉन्सर्ड बाय सुपकॉम कंप्यूटर्स। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में निर्माणाधीन मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शंकराचार्य द्वारा उठाई गई आपत्तियों का हवाला देते हुए इस सनातन परंपरा के खिलाफ बताया गया है। कहा गया है कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव का लाभ उठाने के लिए ये कर रही है। याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की गई है। गाजियाबाद के भोलादास की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि अयोध्या में 22 जनवरी को धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। वहां पर निर्माणधीन मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी और इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो रहे हैं, जो कि गलत है। याची ने अपनी जनहित याचिका मयाची की ओर से कहा है कि ये प्राण प्रतिष्ठा गलत है, क्योंकि सनातन धर्म के अगुआ शंकराचार्यों की ओर से इस पर आपत्ति उठाई गई है। दूसरा, पूस महीने में कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते हैं। 25 जनवरी को पूर्णिमा है, पूर्णिमा तक कोई धार्मिक आयोजन नहीं होते हैं। तीसरा, मंदिर अभी निर्माणधीन है, अपूर्व मंदिर में किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण मंदिर में ही होती है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना संविधान के खिलाफ है, क्योंकि देश का संविधान भाईचारे को बढ़ावा देने वाला है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ी वर्ल्ड। हर तरीके की खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा न्यूज़ी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और डाउनलोड करें न्यूज़ी वर्ल्ड ऐप।